आरके मिश्रा जी, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ढेर सारी सौगातें उत्तर प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। सीएम योगी का अपना जो उनका विकास मॉडल है उससे भी, जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि प्रदेश का खूब विकास हो रहा है, परफेक्ट काम हो रहा है, चुनाव से पहले संकल्प पत्रों का 100% जो वादा था उसको आप लोगों ने पूरा कर लिया, एड ऑन जो अलग से व्यवस्था और कुछ बनी उस पर भी बेहतर काम किया गया। हर दिन कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। विपक्ष कह रहा है चुनाव है इसलिए दिया जा रहा है, अब तक सरकार क्यों सोई थी, 4.5 साल तक काम क्यों नहीं हुआ, क्या इस बात में सच्चाई है कि आर के मिश्रा जी, आप लोग तो नज़दीक से देख रहे हैं सरकार के कामकाज को, जनता भी देख रही है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी बोलना चाहिए कि 4.5 साल 5 साल में सरकार ने क्या क्या किया, अभी तो शुरुआत है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। गौरीशंकर जी देखिए, मैं कह रहा हूँ किसी भी प्रदेश में अगर इस तरह के विकास हो रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए, चाहे विपक्षी ही हो तो निश्चित तौर पर उनको भी स्वागत करना चाहिए। देखिए, प्रदेश का विकास तभी जाकर के संभव होगा जब हम प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उस शिक्षा तक की हम बात करते हैं, या वहां पर जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे डेवलप कर रहे हैं, खास करके वो चीज है। फिर उसके बाद क्या है, तो आप किस तरह से प्रदेश के जनता को सुरक्षित कर रहे हैं वो भी देखना है, साथ में आप निवेश कितना ला रहे हैं वो भी देखना है आपको। उसके बाद ये भी देखना है जो कि आप केंद्र की योजनाओं को और प्रदेश की योजनाओं को किस तरह से लागू कर रहे हैं, उसके इंप्लीमेंट में किस तरह की पारदर्शिता बरत रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। किस तरह की कनेक्टिविटी ला रहे हैं आप वो भी बेहतर है, क्योंकि केंद्र से राज्य में और राज्य से और जगह पर जाने के लिए आप किस तरह से उसके डायग्राम को, उसके प्रोजेक्शन को कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज मान लीजिए आज प्रधानमंत्री जी का दौरा था वहां पे, और निश्चित तौर पर 2100 करोड़ का जिस तरह से परियोजनाओं का वहां पर उद्घाटन भी हुआ, समर्पण भी हुआ, निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास के लिए आप एक नए आयाम के तौर पर आप देख सकते हैं। जो 4.5 साल के अंदर में अगर पिछले सरकार की भी तुलना करें तो आप निश्चित आपको फर्क बिल्कुल नजर आता है, जैसे हम लोग भी कहते हैं जो कि फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जहां तक बात है पहले की सरकार हो, या तो उदासीनता उन्होंने दिखाई, अगर उदासीनता भी दिखाई तो शायद अपने अपने ऊपर में खूब उन्होंने अपने आप को स्नेह दिया, अपने आप को प्यार दिया, लेकिन जनता को बिल्कुल उस चीज से महरूफ रखा। तो कहने का मतलब ये होता है जो कि जहां पर परियोजनाएं हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे अगर जेवर हुए एयरपोर्ट की बात करें, मुझे थोड़ा सा आर के मिश्रा जी, मुझे एक बात थोड़ा सा क्लियर कीजिए, किसानों और किसानों से संबंधित जो तमाम गतिविधियां हैं उस पर सरकार फोकस कर रही है, जैसा कि आज के कार्यक्रम के तहत भी चीज़ों को देखने और समझने का मौका मिला, कहीं इसे मैं क्या किसानों का जो आंदोलन था उससे जोड़कर मैं देखूं कि किसानों का आंदोलन, किसान नाराज रहे, दूसरे तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है ताकि किसानों, दूसरे किसान को भी लगे कि नहीं सरकार जो है किसानों के लिए एक से एक बढ़कर काम कर रही है, क्या इन दोनों को रिलेट करके मैं देखूं, या किसान आंदोलन खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार पहले से किसानों के लिए काम कर रही थी, आगे भी करती रहेगी, आज जो रोड मैप आप लोगों ने दिखाया वो तो बहुत बड़ा रोड मैप है वो। बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो कि आज अगर हम लोग कह रहे हैं जो कि किसानों के आंदोलन खत्म करने के लिए, या किसानों को प्रसन्न करने के लिए हम इस तरह की योजनाएं या इस तरह के कार्य को क्रियान्वयन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा जो गन्ना किसानों की अगर हम बात करें तो 1,42,000 करोड़ रुपए हमने भुगतान किया हुआ है, और कोरोना काल में जिस तरह से गन्ना के किसानों को जिस तरह से भुगतान भी किया गया, गन्ना मिलों को जिस तरह से हम लोगों ने उसको चालू रखा, तो ये सारी व्यवस्थाएं ये नहीं कह सकते जो कि आज अगर चुनाव है तो चुनाव के समीप आने के बाद हम इस तरह के काम कर रहे हैं, या किसान आंदोलन खत्म हो गया है और उसके बाद किसान को प्रसन्न करने के लिए हम इस तरह की योजनाएं। देखिए ये जो योजना है, आज अगर 8 लाख करोड़ रुपए का हम लोग दुग्ध का उत्पादन करते हैं, निश्चित तौर पर ये सबके लिए है, किसानों के लिए भी है, हमारे आम जनजीवन के लिए भी है, आपके घर में भी दूध जाता होगा, हमारे घर में भी दूध आता है, बिना दूध के काम ही नहीं चलता सर। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, तो रात ये में जब कहेंगे मात्र दूध ना पिए तो लगता है कुछ खाना ही नहीं खाया है। जी 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 बिल्कुल, किसानों को फोकस करके ही किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, एक चीज और गौरीशंकर जी, मात्र 10 सेकंड लूंगा। ये जो कह रहे हैं जो कि चुनाव के समीप आकर के जो विकास के कार्य हो रहे हैं, या इससे पहले 4.5 साल पहले आपने क्या किया नहीं किया, अगर मैं योजनाओं का अगर मैं गिनती करवाना अगर
शायद शुरू करूं तो शायद मुझे लग रहा है जो कि कम पड़ जाएगा समय। मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। ये चुनाव के नजदीक आते आने के बाद या चुनाव के नजदीक आने से पहले या जितने भी आपके कार्यकाल रहे, सर आप देखिए, आप कहेंगे नहीं कहेंगे, हम लोग बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, ये कोई मसला ही नहीं बनता है। मैं तो बस इतना देख रहा हूँ, सरकार किसी की भी होती, मैं तो पर्टिकुलर किसी बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी की बात भी नहीं कर रहा, सरकार किसी की भी होती, ये जो चीजें मिल रही हैं, जो प्रोवाइड की जा रही हैं सरकार की तरफ से 2100 करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं, सीधे तौर पर किसानों को ही तो फायदा है। अब चुनाव है 2 महीने 3 महीने तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छा है चलो चुनाव से पहले कुछ तो फायदा हो रहा है किसानों को।